सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जयपुरिया कॉलेज का से आनंदराम जयपुरिया कॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको कट ऑफ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी एक्सपेक्टेड पूरा अच्छे से बताऊँ। इसी के बीच में ही रेंज आएगा आपका, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी है कॉलेज का इसी के रेंज में ही आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें 2020 का, 2020 में जानते हो कि एग्जाम नहीं हुआ था, एक तो एग्जाम हुआ था उसी के बेसिस में ही बाकी चार में मार्क्स बैठा दिया गया था। बेसिकली सबका, हर एक कॉलेज का कट ऑफ हाई हुआ था, कोई तो डराने की बात नहीं। बट 2020 के कट ऑफ से हम लोग को नहीं चलना है। ठीक है, बट 2020 का कट ऑफ जो था एज एक्सपेक्टेड, मीन्स कि जहाँ तक लग रहा था कि 83 to 87 तक ही था परसेंटेज, एग्जैक्ट याद नहीं बट इसी रेंज में ही था 2020 का कट ऑफ। वही बात करें 2019, 2019 में जो कट ऑफ था नॉर्मली जयपुरिया का 82-86% में ही कट ऑफ रहता है, मीन्स कि 80s में ही रहता है, फर्स्ट 80s में रहता है। ठीक है, ये नॉर्मली यही कट ऑफ रहता है इसी बीच में। ठीक है, और बात करें कि मीन्स कि दो क्योंकि 2019 में तो एग्जाम हुए थे, एक्चुअल एग्जाम हुआ था, इसलिए कट ऑफ 82 भी गया, 81 भी गया, 1-2% आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यही था। बट इस बार क्या हुआ, 10-11 मीन्स कि कुछ अलग ही पैटर्न से आपको मार्क्स दिया गया, आपका एग्जाम भी नहीं हुआ है, 10th और 11th के बेसिस पे आपको मार्क्स दिया गया। तो डेफिनेटली बट वेस्ट बंगाल बोर्ड का स्टूडेंट लोग का मार्क्स थोड़ा कम आया है, बाकी दो बोर्ड जो CBSE ISC का, उसका मार्क्स काफी अच्छे आए हैं। तो बेसिकली कट ऑफ भी थोड़ा नॉर्मली जो जैसा डिसेंट 2020 था उसी के आसपास ही घूमता नजर आएगा। तो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि 83 to 87 ही लगभग आएगा, 1-2% आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन यही नॉर्मली कट ऑफ आएगा। वही अगर ओबीसी की बात करें तो आप कट ऑफ 82 ले लो, 81 ले लो, 81% टू 84 कर सकते हैं। वही SC ST अगर करेंगे तो वही पकड़ सकते हैं हम 78 to 82 अगर जयपुरिया में है। तो ये एक्चुअल कट ऑफ है, थोड़ा 1-2% आगे पीछे हो सकता है, बट यही आपका कट ऑफ एक्चुअली आएगा ही, क्योंकि हर साल आता है। 2020 से कुछ ज्यादा क्लोज ही है, क्योंकि ISC CBSE का मार्क्स बहुत अच्छा आए हैं, बहुत रेयर सबके अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो कट ऑफ भी हाई होने का चांसेस है। नॉर्मली गोयनका का 90s में आता है तो इसका 80s में ही आएगा, ये गोयनका के बाद बोल सकते हो हम लोग, गोयनका के बाद अच्छा कॉलेज है, तो ये इसका कट ऑफ 80s में ही आएगा। ठीक है, चलिए यहीं तक था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपका इसी रेंज में आता है तो अच्छा बात है कि आप लगो कि हाँ मेरा मार्क्स आ गया, तो आप डेफिनेटली आप एडमिशन ले लेना, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो बस मेरिट लिस्ट का आपको वेट करना है। मेरिट लिस्ट का जैसे ही मेरिट लिस्ट आता है मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा, तब आप वहीं से आप चेक कर लेना आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, जिसका एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाए पूरा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करिएगा। थैंक यू सो मच।